वाणिज्य कर विभाग द्वारा जीएसटी की छापेमारी को लेकर महानगर के विभिन्न बाजारों में अफरा तफरी के माहौल को देखते हुए अलीनगर स्थित एक भवन में महानगर के विभिन्न व्यापारिक संगठनों के साथ उत्तर प्रदेश व्यापारी कल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष पुष्पदंत जैन की अध्यक्षता में बैठक आयोजित किया गया, जिसके संबंध में व्यापारी कल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष पुष्पदंत जैन ने बताया कि सरकार की कोई भी मंशा नहीं है कि व्यापारियों का उत्पीड़न हो। इस प्रकार के छापे का तरीका ठीक नहीं है। आप लोगों को किसी तरह से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। इसके लिए मैं कई अधिकारियों से बात कर चुका हूं और मुख्यमंत्री से भी बात करूंगा। व्यापारियों के साथ किसी भी तरह की कोई भी उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि हम सभी खुद चाहते हैं कि व्यापारी जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाएं और इसके लिए जागरूक भी करते हैं, लेकिन इस तरह के प्रदेश भर में एक साथ छापे के बजाय व्यापारियों को नोटिस देकर कार्रवाई करें। व्यापारियों के हर लड़ाई के साथ है। किसी भी तरह की समस्या में व्यापारी उन्हें याद कर सकते हैं। विभाग हमें चोर की दृष्टि से देखता है। पहले जो अधिकारी हमारी जांच कर रहे हैं, पहले खुद का आकलन कर ले, क्या उनके बिना सहयोग के कोई भी व्यापारी कर की चोरी की जा सकती है। इस अवसर पर गोरखपुर उद्योग व्यापार एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष नितिन कुमार जायसवाल, महामंत्री विवेक अग्रवाल, व्यापार प्रकोष्ठ के क्षेत्रीय संयोजक भोला अग्रहरी, गोरखपुर उत्तर प्रदेश व्यापार मंडल के जिलाध्यक्ष मदन अग्रहरी, पूर्वांचल उद्योग व्यापार मंडल के प्रांतीय अध्यक्ष रमेश चंद गुप्ता, सर्राफा मंडल के अध्यक्ष गणेश वर्मा सहित अन्य व्यापारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए व्यापारी जयप्रकाश जायसवाल, दवा विक्रेता समिति के अध्यक्ष योगेंद्र नाथ दुबे एवं उत्तर प्रदेश व्यापारी कल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष पुष्पदंत जैन ने कहा, उसके लिए चाहे किसी का भी विरोध करना पड़े हम करेंगे। जय हिंद, जय व्यापारी। ऊर्जा का संचार किया है, मुझे एक पत्र याद आती है कि मुस्लिमों को अगर आ जाए तो टकराना जरूरी है, और जो जिंदा वाले सबसे पहले तो देखते हैं तो क्या बंदियों ने व्यापारियों ने सरकार से बनाया कि व्यापारी पीड़ित हो, परेशान हो, हैरान हो, दुकान बंद करके भाग जाए? नहीं, हमने सरकार बनाई है कि व्यापारियों की सुरक्षा का ध्यान रखा जाए, उनकी सुविधाओं का ध्यान रखा जाए, और कानून बनते हैं वो समाज को एक संतुलित तरीके से चलाने के लिए, व्यवस्थित तरीके से चलाने के लिए होते हैं, ना कि उत्पीड़न करने के लिए। काम हो रहा हो ताकि सरकार को ऐसा बदनाम कर दिया जाए कि लोग उसको वोट ही ना दें, लोग उसके विरोध में कर जाए। मैं पहले अपने आप को परिचय देना चाहता हूँ। मैं मंडल संयोजक भारतीय जनता पार्टी व्यापार प्रकोष्ठ का जयप्रकाश जायसवाल सरदार नगर बना। यह व्यापारियों का जो उत्पीड़न हो रहा है जीएसटी को लेके, उससे सारे व्यापारी बहुत दुखी है। हम लोग जीएसटी का विरोध नहीं करना चाहते, सरकार जीएसटी ले हम लोग स्वतंत्र रूप से देने के लिए तैयार है, लेकिन जो अधिकारियों द्वारा यह दबाव बनाया जा रहा है यह बहुत गलत है। आप जीएसटी चेक करिए, रोड पे पर्चा चेक करिए, ये सारी चीज़ें चाहिए, लेकिन जो व्यापारी जीएसटी नहीं लिया है उसके दुकान पर आपको जाके, जो हमारा शासनादेश है उसको जाके प्रोत्साहित करिए कि आप जीएसटी लें, वो भी प्रेम से करिए।
हमारे सरकार का गाइडलाइन भी है और सरकार के द्वारा ये सारी चीज़ें बताने के बावजूद जीएसटी दर बढ़ा है, इससे हमारे व्यापारी भी खुश है। लेकिन अचानक लगन पीरियड में एक तूफान के तरह से अनर्गल दबाव बना के सारे व्यापारियों को परेशान किया जाना ये उचित नहीं है। उसी के संबंध में हमारे गोरखपुर व्यापार मंडल एसोसिएशन द्वारा तमाम संगठनों के द्वारा एक बैठक आहूत की गई है, जिसमें हमारे माननीय पुष्पदत्त जैन जी जो उत्तर प्रदेश कल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष भी हैं उनके सानिध्य में एक बैठक चल रही है। उसमें व्यापारियों के उत्पीड़न के ऊपर अधिकारी द्वारा जो उत्पीड़न किया जा रहा है उसके विरोध में मीटिंग बुलाई गई है और उसी पर एक डिस्कशन चल रहा है। नहीं, अभी हम लोग आपस में मीटिंग करने के बाद जैसा माननीय उपाध्यक्ष जी का निर्णय होगा उसके अनुसार आगे की कार्रवाई करेंगे। यह कार्रवाई हम लोग अधिकारियों के खिलाफ तेज करेंगे जिससे व्यापारियों का उत्पीड़न न हो। योगेंद्र नाथ दुबे, अध्यक्ष दवा विक्रेता समिति गोरखपुर। आज जो बैठक बुलाई गई है पूरे प्रदेश में जीएसटी अधिकारियों के द्वारा जो है जांच और सर्वे के नाम पे जो जांच हो रही है उस व्यापारियों में एक भय का माहौल व्याप्त है। आज हम लोगों ने बैठक इसलिए बुलाई है कि हम सब मिलकर एक निर्णय करेंगे। एक व्यापारियों का प्रतिनिधि मंडल जीएसटी अधिकारियों के पास जाएगा और उनसे पूछेगा कि आखिर में आप चाहते क्या हैं, किस तरीके की कार्रवाई का सरकार का आदेश है, उस तरीके का हम लोगों के साथ मिलकर समर्थन लीजिए। व्यापारी हर तरीके की कार्रवाई का सामना करने के लिए तैयार है, लेकिन अगर व्यापारियों का कहीं उत्पीड़न होगा तो ये कतई उचित नहीं है। जो इस समय उत्तर प्रदेश की सरकार चल रही है और उसके मुखिया जो योगी आदित्यनाथ जी हैं वो सदैव व्यापारियों के हित में कार्य करते रहे हैं, तो सरकार की मंशा जो है सदैव यही रही है कि व्यापारी सही तरीके से कार्य करें और अधिकारी उसका उत्पीड़न न करें। इसलिए यह बैठक बुलाई गई है, अधिकारियों से एक प्रतिनिधिमंडल मिलेगा, उनसे उनकी मंशा को पूछेगा और उसके बाद सब लोग मिलकर माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे और उनकी मंशा को पूछेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी सदैव चाहते हैं कि व्यापारियों का उत्पीड़न ना हो, व्यापारियों का साथ रहे और हम सबके वो मुखिया हैं और व्यापारी वर्ग ऐसा है कि जो सबसे ज़्यादा नौकरियां देता है और राजस्व भी देता है, इकट्ठा करता है। कोरोना काल में भी व्यापारियों ने अपना समर्पण दिखा दिया, आज भी दिखा दिया। व्यापारी वर्ग सदैव सरकार के साथ रहा है और अधिकारियों के साथ तालमेल करके ये पूरा प्रयास करेगा कि हमारे व्यापारी का किसी प्रकार से उत्पीड़न ना हो। अगर रजिस्ट्रेशन कम है तो जगह जगह हम कैंप लगा कर और जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं है उनका रजिस्ट्रेशन भी कराने का कार्य किए हैं। इसके पहले भी जीएसटी विभाग के अधिकारी हमसे मिले हैं और हमारे साथ व्यापार मंडल के साथ बैठक किए हैं और तमाम लोगों का रजिस्ट्रेशन हुआ है, तो जो भी अगर सहूलियत चाहिए वो हम देने के लिए तैयार हैं। आज जो है व्यापारियों की बैठक इसलिए थी कि 3 दिन से जीएसटी विभाग द्वारा विभिन्न स्थानों पर जो है सर्वे हो रहे हैं, छापे मारे जा रहे हैं। व्यापारी बहुत आक्रोशित है क्योंकि जीएसटी विभाग द्वारा कोई सूचना नहीं मिली और बिना सूचना के सभी जिलों में, गोरखपुर के कमिश्नरी में 7 जिले आते हैं, उन 7 जिलों में यह कार्यक्रम हो रहा है। और ऐसे तो पूरे उत्तर प्रदेश में शासनादेश के आधार पर कमिश्नर ने जो आदेश दिया है उस आधार पर पूरे उत्तर प्रदेश में यह अभियान सर्च का चलाया जा रहा है। तो इसमें मेन मुद्दा ये है कि अपने बहुत से नॉन रजिस्टर्ड व्यापारी जो हैं, यह अभियान उन्हीं लोगों के लिए है कि जो जीएसटी में रजिस्ट्रेशन नहीं कराए हैं लेकिन बड़े स्केल पर व्यापार कर रहे हैं, ये उन्हीं के लिए ये योजना लागू हुई है। लेकिन उसमें होता क्या है कि जब कोई एक कारवां चलता है तो उसमें छोटे लोग भी कुछ लोग पीछे जाते हैं, तो इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम यही आम व्यापारियों से आग्रह करेंगे, निवेदन करेंगे कि अगर उनके बाज़ार में जीएसटी की टीम जाती है तो वह खुल करके अपनी दुकानों को बंद न करें, खुल करके उसका मुकाबला करें। और जो लोग व्यापारी, बड़े व्यापारी हैं जो जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं हैं, उनके यहाँ खुद जाएं और जा करके उन व्यापारी की भी मदद करें और जीएसटी विभाग से आग्रह करें
कि ये इनका जो है रजिस्ट्रेशन अगर नहीं हुआ है तो आप रजिस्ट्रेशन इनका कर लीजिए और आगे जो है ये फिर कार्रवाई जो भी है उसको जो भी आपके डिपार्टमेंट द्वारा होता है उस कार्रवाई को आगे करें, लेकिन उत्पीड़न किसी का नहीं होना चाहिए। हम सिर्फ यही मांग करेंगे कि किसी व्यापारी का उत्पीड़न नहीं होना चाहिए और व्यापारी दुकान अपनी बंद करके भागे मत, उसका डट के मुकाबला करना चाहिए। पूरे बाज़ार के लोग सब लोग एकजुट होकर के किसी का उत्पीड़न ना हो, अच्छे ढंग से उसका सर्वे हो और उसमें साथ देना चाहिए। और अगर कोई व्यापारी रजिस्टर्ड नहीं है तो उससे भी मेरा आग्रह है कि वो जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन अपना करा ले और स्वतंत्र होकर अपना कार्य करे। महाराज जी ने भी इस बात को कहा था और रजिस्टर्ड व्यापारी जो है उसको बहुत लाभ भी है। सरकार ने एक योजना पहले की सरकारों में 5 लाख रुपया कैजुअल्टी पर मिलता था इंश्योरेंस का पैसा, और वो इस सरकार में आने के बाद उसको 10 लाख रुपया किसी तरह की उसके साथ दुर्घटना हो जाए, मृत्यु हो जाए, तो जो रजिस्टर्ड व्यापारी होता है उसको सरकार द्वारा 10 लाख रुपये का अनुदान भी मिलता है। और हर दुख सुख में जो अच्छा व्यापारी रहेगा सब लोग मिलजुल के उसका साथ देते हैं, तो हम लोगों को भयभीत होने की जरूरत नहीं है। और आज मैं मुख्यमंत्री जी से भी बात करूँगा, यह छापेमारी का कार्यक्रम कुछ दिनों के लिए स्थगित करके व्यापारियों को एक मौका दिया जाए ताकि वह अपना रजिस्ट्रेशन करा लें और रजिस्ट्रेशन कराने के बाद वो स्वतंत्र रूप से अपना कार्य करें। किसी का उत्पीड़न नहीं होना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपके चैनल के माध्यम से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और आम जनता तक ये बातें, व्यापारियों तक हमारी बातों को पहुँचाएँगे। धन्यवाद।